हेलो एवरीवन, हमारा जो क्लास चल रहा था आईटीएफ का, इन्वेस्ट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, हमने क्या किया था, कुछ ग्राफ देख लिए थे, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये सब देख लिए थे। और ये भी देखा था कि साइन इनवर्स एक्स हम कब फाइंड करते हैं, मीन्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का ऐसा क्या डोमेन, ऐसा क्या रेंज, सॉरी ऐसा क्या उसके डोमेन बाउंडेशन होना चाहिए कि हम साइन इनवर्स एक्स फाइंड कर पाए। ठीक है, ये हमने देख लिया था और हमने एक प्रॉपर्टी का सेट भी देख लिया था। आज प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं, सेट टू प्रॉपर्टीज का, सेट टू पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज का सेट टू। ठीक है, देखो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था ना, याद है सब, कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने वहां पे। ठीक है, जो सेट टू है प्रॉपर्टीज का वो क्या कहता है, वेरी फर्स्ट जो है कहता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है व्हेन क्या हो जाएगा, जो एक्स होगा वो बिलोंग करना चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू वन। अभी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं क्या कह रहा हूं, एक बार सब लिख देता हूं पहले, फिर बात हो रही है कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स देगा, सेम यही चीज क्या। देन थर्ड वन कहता है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये भी एक्स दे देगा, when x belongs to real number, belongs to a। fourth one भी कहता है क्या, cot और cot inverse x equal to x देगा when x belongs to real number। fifth क्या कहता है, fifth कहता है cosec inverse x equal to दे देगा क्या, x दे देगा। अब देखो यहां पे क्या होगा कि जो कोसेक वाली रहेगी, क्या रहेगी, जो कोसेक वाली रहेगी डोमेन इनवर्स वाली वही आ जाएगी, मतलब मॉड में इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, सिक्स क्या बचा अपना, सेक बचा, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वहां पे क्या है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो वही अपने पास करीब छह प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर सेट में ये छह पार्ट है इसमें, तो इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। वैसे बहुत ज्यादा इजी, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर लूं, शायद डिफोकस हो रहा, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो पहले क्या कह रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, देखो ये चीज मेन है, ये जो दे रखा ब्रैकेट्स में, ये कैसा ब्रैकेट बना दू, मैंने कहोगे कि सर इंटरवल बना दिया, ये चीज जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये इस पर्टिकुलर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि अगर अपने कहीं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू मुझे एक्स मिल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन किसकी है, दिस पर्टिकुलर, मतलब इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, मतलब एक्स जो होगा, जो इसका डोमेन होगा वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे क्या, इसकी वैल्यू एक्स आती है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में क्या बोल रहे हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो भी डोमेन होता है उसी डोमेन के अंदर एक्स को होना पड़ेगा, अगर हो रहा है एक्स उसी डोमेन के अंदर तब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। सेम यहां भी क्या, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा व्हेन डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन है लिखा होगा अंदर, ठीक है, जो अंदर वाले ब्रैकेट में जो रखा है उसका डोमेन वहां पे अगर शो हो रहा अपने को तो। ठीक है, अच्छा थर्ड वन क्या है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x belongs to R है, मतलब यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, इसलिए सेम ऐसे क्या है, cot इनवर्स x, मतलब इसका जो डोमेन क्या है यहाँ पे भी R है, मतलब इन शॉर्ट समझना क्या है कि cot of cot इनवर्स x या फिर tan of tan इनवर्स x हमको वैल्यू x ही देगा when tan इनवर्स x जो x बिलोंग कर रहा होगा वो क्या होगा, इसके डोमेन में ही हो तो। ठीक है, इसका डोमेन हो और इसका रेंज हो, बात समझना, जो यहां पे कंडीशन दे रखी है वो अंदर वाले का डोमेन हो और बाहर वाले का रेंज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा क्या बातें हो रही है, आई थिंक शायद आइडिया लग ही रहा होगा। सेम ऐसे क्या, कोसेक के लिए है और सेम ऐसे सेक के लिए है। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है ये लिखा हुआ है और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोमेन यहां पर होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे क्या, जिसकी वैल्यू होगी वो एक्स हो जाएगी, सिंपल सी प्रॉपर्टी कह रहा है सेकंड, और कुछ नहीं इसमें। ओके, अब दो तीन छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, जैसे ग्राफ भी अगर अब बना ही लिया तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं दो दो करके, अब मैं छोटा हटाता हूं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर
अगर मैं बात करना चाहूँ इन दोनों ग्राफ पहले तो प्रॉपर्टी में ही साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इक्वल टू एक्स है, और दूसरा भी ले लेते हैं इसमें क्या कॉस ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है माइनस वन टू वन के बीच में है, और यहां भी क्या है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है ऐसा कुछ है। अब देखो क्या होगा, देखो ग्राफ बनाना चाहूंगा मैं, देखो क्या हो रहा है कि अब देखो ना ध्यान सुना ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा होगा ना, ये लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जिसकी वैल्यू एक्स आ रही है। तो यहां से क्या देखने को मिलता है एफ एक्स क्या होता है y होता है, यहां से क्या देखने को मिल रहा है मुझे y इक्वल टू एक्स देखने को मिल रहा है यहां से, ये देखो यहां से y इक्वल टू एक्स देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या हुआ है जो इसका ग्राफ होगा वो एक लाइन होगा y इक्वल टू एक्स, ठीक इन दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। बट ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये डोमेन वाली देखने वाली बात है, कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या हुई या तो माइनस वन होगी या माइनस वन से ज्यादा होगी, या तो प्लस वन होगी या तो प्लस वन से ज्यादा होगी, ठीक है ये माइनस वन है और ये प्लस वन है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा उसका, ऐसा ग्राफ से क्या मतलब हुआ कि प्लस वन के इधर भी कोई वैल्यू नहीं है और माइनस वन के इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट बना देगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा किसका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, कुछ ऐसा ग्राफ बना देगा, मतलब ये लाइन सेगमेंट होगा, एक लाइन नहीं है ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है इतना आइडिया लग गया होगा, आई थिंक लगी गया होगा। अब सेम ऐसे अगला वाला देख लेते हैं एन वाला, क्या था थर्ड वन क्या था टेन था, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था एक्स आ रहा था, वेयर क्या था एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर था, एंड फोर्थ वन क्या था कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा था वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर था, कुछ ऐसा था, ठीक है। अब ये देखना देखो अब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ भी y इक्वल टू एक्स दिख रहा है, दिख रहा है ना सेम वही चीज बन रही है, तो इसका ग्राफ मुझे क्या y इक्वल टू एक्स दिख रहा है, तो ठीक है मैं प्लॉट करता हूँ y इक्वल टू एक्स, मैंने y इक्वल टू एक्स प्लॉट किया होगा ये वो सीधे चली गई होगी सॉरी। बट अब यहां देखो डोमेन में कोई वही नहीं है, डोमेन क्या है इसका x क्या है पूरा रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है यहाँ भी कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा ये ग्राफ ऐसा कंटिन्यू है चला जाएगा, ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है इसे ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, कोई लाइन सेगमेंट की यहां बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात हो रही है, तो ग्राफ यहां पे ये बन गया। ओके इसको बैठाते हैं लास्ट में बात करते हैं फिफ्थ सिक्स की, तो क्या था अपने पास कोसेक वाला था कोसेक, तो फिफ्थ था क्या था कोसेक और क्या था क्या था कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स था, और सिक्स था अपने पास सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स था। तो ये भी कब था ये भी कब था, ये जब था कि जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ठीक है, और दूसरा क्या था जब मॉड एक्स की वैल्यू हाई भी हुई था सेम। तो ये ग्राफ कैसे बनना चाहिए, देखो क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज है देखो लाइन तो वाई इक्वल टू एक्स ही बन रही है, लाइन तो वाई इक्वल टू एक्स ही बन रही है, ठीक है यहां पे कहीं पे वन था प्लस का, यहां पे कहीं पे क्या माइनस का वन था, तो लाइन तो वाई इक्वल टू एक्स बन ही रही है, बट क्या हो रहा है लाइन क्या हो रही ब्रेक हो रही है, कुछ ऐसा ब्रेक हो रही मतलब सॉरी इसको हटा देता हूं, ब्रेक हो रही मतलब कि जो वैल्यू है इसकी वो माइनस वन से वन के बीच में कुछ नहीं है, जिसका डोमेन कहता है जिसकी वैल्यू क्या है माइनस वन से वन के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है माइनस वन से वन के बीच में है ही नहीं कुछ वैल्यू इसकी, सिर्फ क्या है इधर ही उधर वैल्यू है, दैट्स व्हाई इसका ऐसा कुछ ग्राफ यहां पे प्लॉट हो गया। ये लाइन कैसी है लाइन तो सेम है वाई बोर्ड एक्स है, बस इस बीच का ग्राफ नहीं है इतना, ठीक है तो ये भी एकदम बढ़िया से याद कर लेना, समझ में आ गया थी मैं बोल रहा हूँ लाइन वही है वाई कोड एक्स लाइन है जैसा अभी तक बना रहे थे हम लोग, बट इसके डोमेन क्या होता है माइनस वन से वन के बीच में बात ही नहीं होती, इसके डोमेन में किसके डोमेन में कॉसेक इनवर्स एक्स में और सेक इनवर्स एक्स में माइनस वन से वन के बीच में बात नहीं होती, इसलिए अला हिस्सा पूरा खाली है, तो ग्राफ का हमारा वन टू इन्फिनिटी और इधर माइनस वन टू इन्फिनिटी ऐसा आ गया, ठीक है चलो ये भी समझ आ गया होगा आई थिंक, बड़ी इजी चीजें हैं इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ।
ऐसा कुछ मेरे तो खास नहीं था। ठीक है, अगला बढ़े प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, ये टू था सेट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी थ्री के बारे में, प्रॉपर्टी थ्री। ठीक है, इसमें पहले आएगा, अब चीजें थोड़ी सी इंटरचेंज होंगी। अभी क्या था, पहले साइन और साइन इनवर्स एक्स था, अब क्या साइन इनवर्स और साइन एक्स है। ठीक है, ऐसे क्या देगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। थर्ड क्या आ जाएगा, ऐसे टेन इनवर्स टेन एक्स। फोर्थ आ जाएगा क्या, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। फिफ्थ आ जाएगा क्या, ऐसे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। एंड सिक्स क्या आ जाएगा अपना, सेक इनवर्स और सेक एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो वैल्यूज देख लो फटाफट, वैल्यूज सब में क्या मिलेंगे, एक्स एक्स एक्स। अब देखो एक छोटी सी बात देखने ला लिया है कि जो इसके पहले जो हमने बात की थी, जो इसके जस्ट पहले बात की थी, वहां क्या बोला था, जो अंदर ब्रैकेट में होगा उसका डोमेन आपको वहां पे गिवन होना चाहिए। बात समझना, उसका डोमेन आप गिवन, तो यहां ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है आपको पता ही, क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है। मैं यहां लिखना चाहूं कि एक्स क्या हो रहा, बिलोंग्स टू माइनस का पाई बाय टू से प्लस का पाई बाय टू हो रहा है, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सेम ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स कैसे बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, इसका भी नहीं, इसका जीरो टू पाई होता है। इसका क्या होता है, जीरो टू पाई होता है, जीरो से पाई होता है। ठीक है, पाई तो शायद काउंट होगा, कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो दोनों काउंट होंगे, सॉरी जीरो भी काउंट होगा पाई भी काउंट होगा। ठीक है, ऐसे टेन वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आई थिंक माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये भी आ जाएगा, हाँ ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आ गया, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो ये भी आ जाएगा क्या, कॉट वाले भी आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस का ये। ठीक है, अब जो गलत कर दिया क्या कुछ मैंने, कॉट लिखा है ना, कॉट की थोड़ी हो जाएगा, अगर कॉट टेन का हो गया ये, तो कॉट का जीरो से पाई होना चाहिए था, सॉरी जीरो से पाई होना चाहिए था, सॉरी जीरो से पाई होना चाहिए था। अब जो कोसेक होगा, देखो कोसेक क्या होगा, कोसेक में ये साइन वाला टर्म आएगा, देखना ध्यान से, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो आएगा ही आएगा, दिक्कत नहीं है। बट क्या होगा, एक चीज में हटाना पड़ेगा मुझे, क्या हटाना पड़ेगा, जीरो हटाना पड़ेगा, जो बीच वाला जीरो होगा वो काउंट नहीं होगा डोमेन में। क्यों, क्योंकि कॉसेक अगर क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स होता ना, तो जीरो साइन क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, तो कॉसेक एक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स होता है, तो अगर मैं ऐसे वन अपॉन जीरो कर दूंगा तो फंक्शन कैसा होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो जीरो हटा के बाकी चीजें क्या होंगी, बाकी चीजें काउंटेबल, मतलब काउंट कर लेंगे उसको। लास्ट वन जो सेक वाला है, सेक वाले में क्या होगा, सेक वाले में देखो बहुत बड़ी चीज हो रहा है, अब जीरो से पाई तो यहां होगा ही होगा, सेक वाले में क्या होगा, जीरो से पाई तो होगा ही, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई तो आएगा ही, बट इसमें क्या होगा, अब पाई बाय टू हट जाएगा, क्यों, पाई बाय टू क्या देता है, कॉस को जीरो कर देता है। तो ये कुछ इसमें रिजल्ट आ गए यहां पर, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यहां से कुछ रिजल्ट निकल के आ गए, देखो जस्ट जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी वैसे ही कुछ है ये, बट थोड़ा सा क्या है, आपस में चीजों को इंटरचेंज कर दिया, पहले साइन इनवर्स एक्स यहां पे था, साइन इनवर्स अंदर था, अब साइन इनवर्स बाहर हो गया, पहले साइन एक्स बाहर था, अब साइन सॉरी साइन बाहर था, अब साइन एक्स अंदर हो गया, तो आपस में क्या हो, चीजें इंटरचेंज हो गई हैं, आपस में इंटरचेंज हुई, तो इटमीन्स का डोमेन भी चेंज हो गया, पहले जो अंदर साइन इनवर्स था तब उसका डोमेन यहां लिखा हुआ था, अब जब साइन एक्स है तब साइन एक्स का डोमेन लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर टू प्रॉपर्टी नंबर थ्री आपस में रिलेट करती है, तो उसको एक भी अगर याद हो जाएगी तो दूसरी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी याद हो जाती है तो सेकंड वाली अपने आप याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा, ये दिख रहा होगा प्रॉपर्टी आराम से समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, चाहे तो हम एक दो कर लें, या तो क्वेश्चन मेरे को देख लेता हूं, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नहीं थोड़ा सा आगे तो थ्योरी कर लेते, क्वेश्चन एक साथ चाहे तो कर लिया जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एक साथ करिएगा। प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई थी, तीन हो गई थी, अब प्रॉपर्टी चौथी की बात करते हैं, फोर्थ वन की बात करते हैं। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सारी सारी इसमें चीजें क्या है, प्रॉपर्टी है, बस फॉर्मुलेज है और प्रॉपर्टीज है, बाकी इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्राफिकल भी चीजों को आना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी फोर, प्रॉपर्टी नंबर
4, ठीक है। तो इसमें पहले क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। क्या बोलता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। सेकंड से क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स करो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ऐसे थर्ड वाला क्या बोल रहा होगा? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हो रहा होगा। बट क्या ये चीज ध्यान देना है कि उसका डोमेन भी वहां पे सीन क्रिएट कर रहा हूं, मतलब कल को जो एक्स होगा यहाँ पे वो माइनस 1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए वाला एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या x belongs to R होना चाहिए और यहाँ पे क्या x belongs to कहते हैं, ऐसा लिख दो कि जो x है मॉड में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। देखो इसकी प्रूविंग एकदम खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक का बता देता हूँ साइन वाले का, ऊपर वाले का, कि अगर मैंने यहां से लेट कर लिया, फर्स्ट वाले बता रहा हूं मैं, लेट मैंने क्या कह दिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया, कहां से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिल गया। इतने बात समझ आ गई, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स मिल गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिख लिया इसी जगह पे, तो थीटा प्लस क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 बन गया। तो थीटा आप क्या करते हैं, कॉस यही रखते हैं, पाई बाय 2 इधर करते हैं। तो अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स यही रखूं, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दूं, फिर क्या कर दूं, दोनों साइड कॉस ले लूं, तो कैसा हो जाएगा ये, एक्स इक्वल टू कॉस में पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा होता है, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वापस से साइन थीटा आ गया, मतलब जहां से चले थे वही चीज आ गई। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा ये करेक्ट है जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये देख लो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है ताकि चीजें क्लियर रहे। खैर इसका इतना प्रूव करना ये सब चीजें इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए। मैंने ऐसा किया, मैंने चीजों को जनरलाइज कर दिया कि मैंने जहां शुरू किया था वहीं पे खत्म कर दिया। इट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ थी जो काफी ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। जो साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कहते हैं ना इसकी एकदम जनरल से नॉर्मल से प्रॉपर्टी टाइप की हो जाएगी, आगे चल के इतना ज्यादा यूज हो जाएगी, इतना ज्यादा यूज हो जाएगी कि हमको मतलब पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रही है, ठीक है। अभी तुरंत क्वेश्चन करते हैं इस पे, तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन इनवर्स, कहता है क्या एग्जाम्पल ले लो, एक क्वेश्चन लिख लो, जो लिख लो, इफ साइन इनवर्स एक्स नहीं सॉरी साइन इनवर्स क्या आपने पास एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/3 प्लस एक्स की पावर 6/9 एक्स की पावर 6/9 प्लस डॉट 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 प्लस फिर क्या है कॉस इनवर्स एक्स पावर 4 माइनस एक्स की पावर 8/3 प्लस एक्स पावर 12/9 एक्स की पावर 12/9 प्लस डॉट 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 कुछ ऐसा दे रखा इक्वल टू पाई बाय 2 दे रखा, ये अपना एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है वेयर, बता रहा है इसमें और चीजें बता रहा है कि वेयर वेयर व्हाट वेयर जो एक्स है मॉड ऑफ एक्स है वो 0 से √3 के 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, √3 से लेस देन रहेगा, ऐसा कुछ। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज एज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। ऑप्शन मेरे पास चार है, 1 ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है क्या 4। ये अपने एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई थिंक नोट डाउन तो हो ही गया होगा, पॉज कर लोगे। देखो अब हम क्या चीज देखना चाहते हैं, देखो क्या हो रहा है कि ये कुछ हमको कैसा दिख रहा है, ये हमको ऐसा दिख रहा है ना कुछ कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स
समथिंग इक्वल टू पाई बाय टू दे रखा है, इट मीन्स इन दोनों समथिंग को इक्वल होना पड़ेगा। ये ऑलरेडी दे रखा है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि अगर ऐसा कुछ होता है कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाय टू हो रहा है, तो वो साइन और कॉस वाली समथिंग दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स सिंपली क्या कह रहा है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए, सिंपल तरीका। ठीक है, अब वही सीधे वही लिख देते हैं, अभी बाकी चढ़ा देते हैं, बाकी तुम लोगों ने सब लिख लिया होगा। हाँ, वो चीज ध्यान रखेंगे, ये वाला जीरो से रूट की वाला। ठीक है, अब हमें लिख दू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर बाई थ्री प्लस एक्स पावर सिक्स अपॉन नाइन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स पावर फोर माइनस एक्स एट अपॉन थ्री प्लस एक्स पावर ट्वेल्व अपॉन नाइन प्लस डॉट डॉट। देखो ये कैसा बन रहा है, सीरीज बन रही है, ये इन्फिनिटी जीपी सीरीज बन रही है, इन्फिनिट जीपी की बोथ साइड, इन्फिनिट जीपी अगर थोड़ा सा याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। क्या कहता है इन्फिनिट जीपी के लिए, कि कहता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए क्या होता है पैरेटर होता है, आर क्या होता है उसमें जो रेशियो होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी तुम लोग समझ जाना, डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ होगा अपॉन वन माइनस, अब जो इसका रेशियो निकला होगा, रेशियो किसे निकालेंगे, ये अपॉन ये करके निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री आ जाएगा, यहां से इक्वल टू ऐसे बाजू वाले क्या जाएगा, ए आ जाएगा अपॉन वन माइनस, माइनस का एक्स पावर फोर अपॉन थ्री दिख रहा मुझे, ये चीज आ गया बस। अब यहां पे ये चीज को हमको सॉल्व करके कहीं ना कहीं एक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करना है, एक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इतना तो हम लोग कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा वो कर लो, एलसीएम ले लो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक, या फिर कुछ कैंसिल आउट कर लो। तो जब मैं कैंसिल आउट किया होगा तो कुछ मुझे ऐसा मिला होगा यहाँ पे, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन, पहले एलसीएम ले लिया मैंने, थ्री एक्स स्क्वायर मिला होगा अपॉन में थ्री प्लस एक्स स्क्वायर मिला होगा, इस तरह से थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाजू में क्या मिलेगा, थ्री की पावर एक्स, थ्री एक्स फोर मिला होगा, थ्री एक्स फोर अपॉन क्या मिलेगा, थ्री प्लस एक्स की पावर फोर, कुछ ऐसा मिला होगा। ठीक है, अब थ्री से थ्री कैंसिल आउट करते हैं, यहां से थ्री से थ्री कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स पावर टू कैंसिल कर दिया, तो कुछ आ गया रिजल्ट ऐसा, क्या वन अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ रुको अच्छी हो जो यहीं पे रुकते हैं जरा, थ्री कैंसिल करने के बाद एक रुकना, ठीक है, तो देखो तो क्या हो रहा है कि एक हम अगर इतने कैंसिल आउट किया तो मुझे क्या दिख रहा है, एक चीज सिंपल सा इसमें, कि अगर कल को मैं जीरो रखता हूं एक्स जीरो पे दोनों साइड, तो मुझे दोनों साइड जीरो मिल जा रहा है। ठीक है, एक्स जीरो रखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं दोनों साइड भी जीरो मिल जा रहा है, इट मीन्स इसका एक सोल्यूशन तो जीरो तो होगा ही होगा। तो एक याद रख लेते हैं कि इसका एक सोल्यूशन जीरो तो है ही है, एक सोल्यूशन क्या जीरो है। ठीक है, अब इसको काटने स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये वन अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस एक्स पावर फोर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चीजों को और सिंपल से एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेना, और मुझे इसका आंसर बता देना फिर कमेंट में या फिर जैसा भी मैसेज करना। तो ठीक है, एक मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, बाकी और देख लेना दो आंसर आ रहे हैं कि तीन आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं आंसर, टोटल कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे बता देने का। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अगली पांचवी नंबर प्रॉपर्टी पे, चार वाली हो गई थी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लिया इस पे, बाकी ऐसे कॉस टेन वाले में भी होता है और सेम ऐसे कॉसेक और सेक वाले में भी ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव की, प्रॉपर्टी जो है अपनी पास पांच ये काफी इजी है, इन्होंने बहुत बार देखी भी होगी, जैसे अपने को पता है ना, रेसिप्रोकल की साइन एक्स का वन अपॉन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का वन अपॉन साइन एक्स होता है, सब चीज अपने देख रखा हुआ है, सब देखा हुआ है। तो उसी चीज से रिलेटेड है ये कि अगर मैं कहना चाहूं पहला कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, क्या कहते हो, पहला क्या बता रहा हूं मैं कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स हो जाएगा। याद रखना पे एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, सेम ऐसे क्या आ जाएगा सेकंड वाला, क्या
sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x होना चाहिए। यहां भी क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें तो समझ आ गई। थर्ड वाला भी कहता है ऐसे कुछ। थर्ड वाला क्या कहता है कि अगर sin inverse x इक्वल टू मैं अगर लिखना चाहूं ना इसी का ही उल्टा जस्ट, थर्ड वाला क्या कहता है कि अगर मैं sin inverse x इक्वल टू लिखना चाहूं तो मैं इसको 1 अपॉन कह रहा हूं, मैं इसको cosec inverse 1 अपॉन x कर सकता हूं। बट अब थोड़ा सा चीजें यहां पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी, जो यहाँ पे जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो मॉड x होगा वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। बट हाँ, x does not equal to 0 भी होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा वहां पे। अगर जीरो हो गया तो सारा खेल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो दिख रहा होगा सबको। ठीक है, तो कुछ ऐसा। अब यहां से फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला कहता है कि cos inverse x, फोर्थ कहता है क्या कि cos inverse x इक्वल टू कहा गया हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। पहली बात तो ये तो समझ आ गया। सेम वही चीज के लिए भी कहता है, जो कंडीशन ऊपर कहता है साइन वाले के लिए, क्या कि मॉड x जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटे 1 से छोटा होगा, और क्या होगा x does not equal to 0 होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू कहां जाएगी, इसे 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं आ रही होगी, जो x होगा वो 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए आपके। ठीक है, ये चार हो गए, चार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं जरा हम। देखो इसका जो इसको प्रूफ है, इसकी जरूरत नहीं है, है वो इजी प्रूफ इसका। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं है प्रूफ वगैरह, क्योंकि दिख रहा है अपने को कि जस्ट उसका रिवर्सिबल होता है, हमने पढ़ रखा है सब चीजें, तो इसका प्रूफ कोई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगली देख लेते हैं, पांच नंबर वाली प्रॉपर्टी की। पांच नंबर क्या कहता है, जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा हटा देता हूं जरा मैं, इसी फिफ्थ का ही फिफ्थ बात कर रहा हूं मैं, अभी आगे सिक्स वाली प्रॉपर्टी नहीं किया। फिफ्थ की फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर cot inverse x की बात करता हूं, ये थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टी, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। cot inverse x की बात करता हूं तो ये तो tan inverse x होगा, tan inverse 1 upon x तो होगा ही होगा। कब होगा, जब x का होगा ग्रेटर देन 0 होगा। एंड इसी में एक और चीज होगी, क्या पाई प्लस tan inverse x, पाई प्लस tan inverse 1 upon x, ये कब होगा, जब x से होगा लेस देन 0 हुआ होगा। अब देखो ये चीज थोड़ा समझने लायक है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मुझे पता है कि जो tan inverse x होता है वो कहां होता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ध्यान देखना, जो cot का ग्राफ होता है, cot inverse x का ग्राफ होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। यह पढ़ा होगा cot inverse x का ग्राफ क्या होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। बट tan inverse x का ग्राफ वो क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है। ये ग्राफ कभी निगेटिव नहीं होता, बट ये निगेटिव होता है। ठीक है, बात समझना। तो ये देखो, जब ये पॉजिटिव ऑलवेज रहता है, जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मींस जब x ग्रेटर देन 0 है तब तो पॉजिटिव है ये, तो ये तो सही है इक्वल। ठीक है, बट जब ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तब जब ये निगेटिव आ गया होगा, जब ये निगेटिव आ गया होगा 10, बट इसको अल्टीमेट हमको पॉजिटिव रखना है, बट ये निगेटिव आ गया, कैसे निगेटिव आया, x लेस देन 0 आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, इससे पाई एड कर दिया। पाई एड क्यों किया, क्योंकि देखो 10 क्या होता था, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 क्या था, नेगेटिव था, ये थर्ड में नेगेटिव था। अब इसको ऊपर जाना था सेकंड में, सेकंड में क्यों जाना था, क्योंकि cot inverse का जो ग्राफ है वो सेकंड कोऑर्डिनेट पर रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव फर्स्ट टाइम दोनों रहता है, तो ये घूमेगा पूरा पूरा 180 डिग्री, जैसे मैंने कल पाई प्लस cos inverse x वाला बात की थी, सेम वैसे ही। ठीक है, नेगेटिव रहेगा ऑलरेडी, जब इसको पाई में एड कर देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ऐसे घूम जाएगा, तो घूमेगा जब, तो वापस से क्या cot के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको जनरलाइज करने के लिए cot का और tan का ग्राफ एक बार देख लोगे, cot inverse x का, tan inverse x का, एकदम बहुत आराम से जनरलाइज हो जाएगा ये, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जब ऑलरेडी x क्या पॉजिटिव होगा तो cot के बराबर, cot inverse x के डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, बट जब x क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तब क्या हो जाएगा, cot inverse x किसके बराबर होगा, पाई प्लस tan inverse 1 upon x के बराबर होगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ग्राफ अभी देख लोगे तो एकदम ईजी था ये। ठीक है, और साथ साथ चीजें मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पिछला छोड़ने का नहीं है, जो भी हो चुका है सब चीजें। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, इसकी सिक्स नहीं, टोटल जो प्रॉपर्टी चल रही है, पार्ट जो है प्रॉपर्टी सिक्स,
मैं सारी प्रोबेबिलिटीज भी बता दे रहा हूँ ताकि अब सीधे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकें और जो इक्के दुक्के चीजें बचेंगी अगली हम लोग अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। इनवर्स मैंने बोला था बहुत छोटा सा चैप्टर है, कम से कम 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, आज अपना शायद थर्ड है, शायद आई थिंक शायद थर्ड क्लास है। अब एक क्लास और लगेगा इसमें और एक क्वेश्चन, मतलब लगभग 2 क्लास और लगेगी तो पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बड़ी सी प्रॉपर्टी है। क्या कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके अपने पास 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। कैसे कैसे? एक आता है क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक ही आता है रिजल्ट निकल के। ठीक है, ये कब आता है, जब एक्स वाई क्या होता है लेस देन, लिख दो क्या, इफ एक्स वाई लेस देन 1। मीन्स क्या होगा, ये जो दे रखा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई को, अगर वो 1 से वैल्यू छोटी आ रही है तब तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगा दूंगा। बट पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला कब लगाऊंगा, इफ इफ क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्या रहेगा, एक्स भी कह रहे हैं ग्रेटर देन जीरो रहेगा, वाई भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा और एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो डायरेक्टली एल्टीमेट यहां ये चीज अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, तब तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा सेकंड वाला। एंड थर्ड क्या कहता है कि माइनस पाई, क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला क्या लगेगा कि इफ एक्स क्या लेस देन जीरो हो जाए, वाई भी लेस देन जीरो हो जाए और एक्स वाई क्या हो जाए, कुछ डिस्टर्ब हो गया शायद, हाँ सही था, एक्स वाई क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए, एक्स वाई क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, मीन्स दोनों या तो निगेटिव हो जाए, दोनों निगेटिव रहेंगे तभी हो पाएगा ये, है ना, दोनों निगेटिव हो क्या, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएंगे और ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो ये 3 केस बनता है, इन 3 केसों में हमारे पास ये 3 रिजल्ट आ गया। ठीक है, इन 3 केसों में हमारे पास क्या हो गया, ये 3 रिजल्ट आ गए हैं, तो ये हमारे लिए और ज्यादा इजी हो गया है। ठीक, अब देखो एक चीज और होता है कि अगर निगेटिव आता है इससे में क्या होता है, कल को निगेटिव कुछ मिलते हैं वैल्यू, यहाँ निगेटिव मान लो अगर ये निगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, ऐसे और ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, पॉजिटिव के लिए मैंने बता दिया, निगेटिव के लिए बता दिया, दोनों चीज यहाँ पे मैंने क्या हुआ क्लियरिफाई कर दी है तो पता लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी भाई, अगर आप सामने तो ठीक है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल टू पाई, इसको हटा देता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कह रहा है अच्छा वैल्यू निकालनी, ओके टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, मैंने पाई बोल दिया, वैल्यू निकालनी इसकी, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, ये प्लस है बीच में ना, ये क्या है प्लस है बीच में, ये भी क्या है प्लस बीच में, इसकी वैल्यू निकालनी है व्हाट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूले में चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं टेन इनवर्स क्या करते हैं 3 है तो क्या करते हैं 2 उठा लेते हैं, पहले ये दोनों उठा लेते हैं, इसको ऐसे से लिखा देते हैं, इसको ऐसे लिखा देते हैं, इसको नहीं छिड़का नहीं करते हैं। प्लस देखो 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो क्या 6 क्या ग्रेटर देन 1 हो गया, ऑब्वियस बात है, यहाँ 2 भी ज्यादा है 0 से भी ज्यादा, इट मीन्स पहले वाला फॉर्मूला जाएगा जो पहले हमने बात की थी, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3 कुछ ऐसा आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये टेन इनवर्स 1 प्लस 3 × 2 क्या हो गया 5 हो गया और 6 माइनस 1 तो माइनस 5 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस का 1 आ गया, ऐसा कुछ आ गया मेरे हिसाब से शायद। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब और चीजें क्लियर करेंगे। नहीं नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 था तो पाई प्लस आ रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 नहीं, हाँ हो पाई ना डाले नहीं, सेकंड वाला लगेगा, सॉरी सेकंड वाला लगेगा, सेकंड वाला लगेगा ना, क्योंकि वो लेस देन 0 के लिए लग रहा था, पाई प्लस टेन इनवर्स क्या था 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3 ऐसा कुछ,
तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस और टेन इनवर्स माइनस का वन। अब देखो एक चीज देखना ध्यान से कि टेन इनवर्स वन कितना होता है, टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितना, टेन पाई बाई फोर। तो इसको डायरेक्टली मैं क्या पाई बाई फोर लिख दूं चलेगा, ऐसा बता रहा हूं ना पैसा, कैसा कि टेन इनवर्स वन है जो, इसको मैं क्या लिख दूं, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर। ठीक है, ये क्या है टेन वाला, इसमें रियल नंबर को दिख ही रहा मुझे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो रहा, तो ये कैंसिल आउट होगी, क्या आंसर सीधा क्या जाएगा, पाई बाई फोर आ गया, पाई बाई फोर आ गया प्लस पाई। अब प्लस देखो टेन माइनस का जो वन है सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, ये माइनस का पाई बाई फोर हो जाएगा, है ना, सेम क्या हो जाएगा, ये माइनस का पाई बाई फोर हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं माइनस का पाई बाई फोर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा पाई आ गया। ठीक है, कितना इजी था ये यहाँ पे, तो इसमें बड़े इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा टफ मिलते हैं, पर हाँ ऐसे टफ तो आते हैं बट इजी भी बहुत होते हैं। अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो बोर्ड लेवल पे तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन मिलते हैं इस पे, तो मेरे टेक्स्ट बुक अगर तुम लोग उठा के देखोगे तो टेक्स्ट बुक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जिसको एक बार तुम क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूरी एक्सरसाइज कर लो दोबारा उसको तुमको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक को, इतने इजी क्वेश्चन है। बट हाँ जे वगैरह में क्या इस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होते, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते, एक नॉर्मल होते हैं यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको तो खत्म हो गया होगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे ना, ये क्वेश्चन नहीं, अब सीधे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब सिर्फ होमवर्क होमवर्क होंगे। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेवन की, जो अच्छी प्रॉपर्टी है और पढ़ने लायक है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेवन कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको हटाता हूं जरा मैं, प्रॉपर्टी सेवन क्या कह रहा है पहला वाला इसमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी तो हमने क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पढ़ा था, अब कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो सिंपल से वैल्यू इसके लिखते हैं, क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, इतना समझ आ रहा है, प्लस वाई इंटू प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है कुछ ऐसा। एक छोटी सी कंडीशन भी दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, इसी के लिए इफ 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 व्हाट, एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहली बात तो। सेकंड थिंग क्या, वाई भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वाई भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दूसरी बात। लास्ट बात क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ये कंडीशन इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और एक और कंडीशन इसमें दे रखी है, क्या और रखा, एक कंडीशन और दे रखी इसमें, वो भी लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये कब होगा, इफ इफ क्या हो रहा होगा यहां पे कि जो एक्स होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा ही, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बट ये वाली चीज बदल जाएगी क्या, ये तो होगा चलेगा, ये भी क्या चलेगा, बट ये जो होगा ये इसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज जाएगी बस। ठीक है, आज ये फॉर्मूला हम आखिरी रखेंगे, लास्ट फॉर्मूला हमारा, इसके जो आगे चीजें होंगी एक क्लास का लगभग और थ्योरी बचा हुआ है, उसको हम आखिरी क्लास कंटिन्यू कर देंगे कल कल की क्लास में। तो देखो क्या कह रहा है कि देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, देखो साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला पता है अपने को क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला दिख रहा है अगर मैं याद करने की बात बताऊं तो, बाकी मैं ग्राफ और अभी दुनिया भर में नहीं जा रहा हूं, वो मैं कल बताऊंगा, मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मुला को रटते मतलब रटते मीन्स याद कैसे कर रखेंगे। ठीक है, बाकी हम ग्राफ से अभी बताऊंगा मैं कल तो क्लियर हो जाएगा। तो वो साइन ए प्लस बी का मैं बताना चाहूंगा, साइन ए प्लस बी फॉर्मुला याद होगा, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए मतलब एक्स आ गया पहला, साइन ए साइन बी मतलब कहीं ना कहीं क्या आ गया,
कॉस के टर्म आगे, सॉरी कॉस के टर्म आगे, सॉरी कॉस वाला, फिर क्या होगा कॉस है साइन बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है, क्या साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्मूले से। थोड़ा सा अगर फॉर्मूला दिमाग में रखोगे वो साइन ए प्लस साइन बी वाला, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सॉरी ये फॉर्मूला। बाकी मैंने क्या बोल रहा हूँ कि इसको मैं ग्राफ से बड़ा अच्छा बताने वाला हूँ, बट आज नहीं, आज की क्लास क्या हो गया ओवर 40 मिनट्स हो गया, मैं 40 मिनट ज्यादा क्लास नहीं रखना चाहता क्योंकि चीजें ताकि घिचपिच ज्यादा नहीं होने पाए। आज बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज की बात की मैंने, चैप्टर छोटा है इसीलिए मैं छोटी छोटी क्लासे अगर एक साथ एक दिन में पढ़ा दूंगा तो बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो अभी क्या है, इन्वर्स को खत्म करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है वो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, तो हमारे चार चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो हम डायरेक्टली जब करेंगे अपना फिफ्थ चैप्टर पे, फिफ्थ चैप्टर जो हमारा शायद आई थिंक कंटिन्यूटी डिफरेंशियबल डिफरेंशियबिलिटी है, शायद कंटिन्यूटी ऐसे कुछ है, डायरेक्ट वही पे जब करेंगे इसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर अपना हम क्या इंटीग्रेशन जब करेंगे और फिर हमारी सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी। तो जब कंटिन्यूटी जो होता है, कंटिन्यूटी हमारे कैलकुलस का समझ लो कि स्टार्टिंग तो रिलेशन से हो जाती है रिलेशन फंक्शन से, बट कंटिन्यूटी क्या है एक कैलकुलस है ही वो, मींस कि अगर वो बेसिक था इनवर्स फंक्शन जो भी था बेसिक था वो उसका एक स्टेप ऊपर है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, वहां से हमारा मेन कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो चैप्टर होंगे वो स्किप नहीं करने का, उसको अच्छे से पढ़ने का। और कई बार 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 बोल रहा हूं कि टू वे कम्युनिकेशन रखो, तुम लोग ना कोई डाउट रखते हो ना कोई कुछ रखते हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि रखना चाहिए डाउट को, क्वेश्चन पूछो हर चीज पूछो। हाँ अगर जैसे अगर लग रहा हो कि अलग से सेशन क्लास रख दिया जाए डाउट के तो सब कर दिया जाएगा, बट उसके लिए नोट्स बनाते रहो, चीजें पूछते रहो, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना हो गया है, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाय ग्राफ, और प्लस जो लास्ट में हमारा जो टॉपिक बचा है उसको खत्म करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे यहाँ पे आके, ओके।